आज के दिन के हवाले से होगी। सऊदी अरब के साथ साथ मुल्क के बाकी हिस्सों में या दुनिया भर के दीगर हिस्सों में ईद उल अज़हा के हवाले से तैयारियां और हज 2024 पर मुकम्मल तफसीलात साथ साथ आप तक पहुंचाते चलें। हज 2024 का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा हो चुका है और दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों से इस बार शदीद मुश्किलात के बावजूद भी और सख्त गर्मी के बावजूद मैदान अरफात में 20 लाख से ज़ायद आज़मीन हज की मौजूदगी, जिसकी ऑफिशियली तस्दीक वज़ारत हज उमरा की जानिब से सऊदी हुकाम ने कर दी है। और जब कल दूसरा दिन था, मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला होता रहा, भारतीय वक्त के मुताबिक तकरीबन 3 घंटे का वक्त पीछे लेकर चलिए। और ये तस्वीरें कल पूरे दिन की हैं, जहाँ पर मिना के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती भी इस वक्त सजी हुई है। सबकी नज़रें अब वहाँ आज दिन रहेंगी, लेकिन खुतबा हज जब कल हुआ और आप कह सकते हैं कि रुकन आज़म की जब अदायगी अंजाम दी जा रही थी, तो दुनिया भर के उन तमाम हिस्सों या खित्तों का जिक्र खुतबा हज के दौरान हुआ जहां पर दौरे हाजिर में मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं, बिलखसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खसूसी दुआओं का अहतमाम। लेकिन कल आप देखेंगे तो 53.1 डिग्री सेल्सियस गर्मी भी रिकॉर्ड की गई है मैदान अरफात में, लेकिन सख्त गर्मी के बावजूद दुनिया भर से 20 लाख से ज़ायद आज़मीन की मौजूदगी और इसका एहसास दुनिया को कल कराया गया कि सख्त मुश्किलात के बावजूद भी आज़मीन दुनिया भर से यहाँ पहुँचे हैं। और शैतान के वसवसों से खुद को कैसे महफूज रखा जाए, खुतबा हज के दौरान खुसूसियात या चंद अहम तरीन पॉइंट्स ऐसे थे जिनको आप बार बार सुने और देखेंगे। और रूह परवर मनाजर उस मकाम के जहाँ पर अभी भी ये 20 लाख मुसलमान इस वक्त जमा है। कल वकूफ़ी अरफा के मौके पर जो रिवायती तौर पर मस्जिद निमराक से खुतबा दिया जाता है, उसमें आलमी इस्लाम को दरपेश मसाइल का भी जिक्र हुआ, मुसलमानों पर जो जिम्मेदारियां आयद है अमन कानून को बरकरार रखने के हवाले से उस पर भी गुफ्तगू हुई। और फिर आगे बढ़ते हुए ये भी कहा गया कि इस्लाम अमन का मज़हब है और अमन हर एक के लिए लाजमी है, तो कोशिश की जाए कि हर खित्ते के अंदर अमन हो, और यही वजह कि फ़लस्तीन और दीगर मुल्कों के लिए भी खसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया है। इधर भारतीय हज मिशन की तरफ से भी इतलात फराहम की गई कि 1,75,000 के करीब जो हाजी साहिबान पूरे मुल्क से हज बैतुल्ला पर इस वक्त हज पर मौजूद हैं और अरफात के मैदान में भी वो जमात है, वो बहिफाजत अपने अपने इलाकों की ओर भी चल रहे हैं, यानी अपनी खेमागाहों की ओर भी चल रहे हैं। और जितनी भी तमाम तर सहूलियतें जो फराहम करनी थी रियासती हज कमेटियों की तरफ से, मरकजी हज कमेटियों की तरफ से और सऊदी इंतज़ामिया की तरफ से, वो माकूल और मुनासिब तरीके से वहाँ पर देखी गई है। ये हज कमेटी के आला अफसरों की तरफ से रात देर गए अपने एक्स सोशल मीडिया साइट एक्स पर जो बयान उनकी तरफ से जारी किया गया है उसमें कहा गया, और अभी तक किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई भी इतला सऊदी अरब से सामने नहीं आई है। लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक की फिजाओं से नारों से फिजाएं जो है वो इस वक्त गूंज रही है और दुआओं के बीच आलम इस्लाम को भी याद रखा जा रहा है। तस्वीरें कल से लेकर आज सुबह तक की जो आपके सामने सऊदी अरब से इस वक्त सामने आ रही है, और कल की ये तस्वीर जब खुतबे हज भी अदा किया जा रहा था। الحمد لله الحكيم الخبير العليم القدير يغشي الليل النهار। एक ही सफ में खड़े हैं महमूद और अयाज, न कोई बंदा है न बंदा नवाज, और ये ताज़ा मिसाल और ये ताज़ा तस्वीरें इस बात की अक्कासी कर रही है कि इस्लाम हर एक के लिए यकसा है और यहाँ पर कोई छोटा कोई बड़ा कोई गोरा कोई काला नहीं है, एक ही सफ में एक ही लिबास में सारे खड़े हैं। और ये एक वो पैगाम है जो आज के दिन में पूरी दुनिया तक पहुँचना इंतहाई ज़रूरी है। फिलहाल